अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है आप लोगों का जूलॉजी पेपर वन इंग्लिश मीडियम का जो एग्ज़ाम हुआ है आईपी रेगुलर वालों का, जूलॉजी वन और जूलॉजी टू के जो है पेपर में कौन से क्वेश्चन आए हैं और जो मैं इंपॉर्टेंट दिया वो क्वेश्चन जो है यहाँ पे ज़रूर आए हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में। पहले जूलॉजी बताऊँगा, फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स का बताऊँगा। जूलॉजी पेपर वन इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो है टोटल 60 मार्क्स रहते हैं, यहाँ पे 21 मार्क्स पासिंग रहते हैं इंटरमीडिएट आईपी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो है सेक्शन ए में आंसर ऑल द क्वेश्चंस रहते हैं, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स जिसको बोलते हैं VSAQ। पहला क्वेश्चन आया था व्हाट इज मीन बाय टॉटोनॉमी गिव टू एग्जांपल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरी तरफ से। मेंशन द एनिमल्स दैट एग्जिबिट ट्यूब विद इन अ ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, नेम देयर बॉडी कैविटी। थर्ड वन व्हाट इज बॉट्रिडल टिश्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरी तरफ से। व्हाट इज काइनेटिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरी तरफ से। उसके बाद कार्डियक मसल इज हाईली रेसिस्टेंट टू फैटिग यू जस्टिफाइड, फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हाउ डू यू डिस्टिंग्विश ए मेल फ्रॉग फ्रॉम ए फीमेल फ्रॉग। नेक्स्ट सेवेंथ वन डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स विद एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरी तरफ से, मेरे स्टूडेंट्स को दिया। एट्थ क्वेश्चन व्हाट इज BOD, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। BOD और DDT दो भी पढ़ाया था आप लोगों को, BOD आया। नाइन्थ वन डिस्टिंग्विश बिटवीन साइनक्रोनस एंड मेटाक्रोनस मूवमेंट्स। टेंथ वन व्हाट आर हेमोजाइन ग्रैन्यूल्स, व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। ये VSAQ के जो है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आए थे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के। अब सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना था, 4 मार्क्स में डायग्राम जरूर ड्रॉ करना था सेक्शन बी में, और सेक्शन सी में डायग्राम के भी 1 मार्क्स मिलते हैं, याद रख लीजिए। 11th क्वेश्चन एक्सप्लेन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। 12th वन व्हाट आर द चीफ कैरेक्टर्स ऑफ द क्रस्टेशियंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरी तरफ से, क्रस्टेशियंस के भी पढ़ाया था और पॉलीचेट्स के भी पढ़ाया था ऊपर। 13th वन व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस दैट आर ऑब्जर्व इन बर्ड्स दैट हेल्प देम इन फ्लाइट। 14th वन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन इन यूग्लिना। 15th वन व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टोबैको, आप लोगों को इंपॉर्टेंट है बोल के लर्न भी कराया था आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट था। 16th वन एक्सप्लेन हेवर्शियन सिस्टम, एक्सप्लेन हेवर्शियन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो भी आप लोगों को मैं पढ़ाया था। एक्सप्लेन हेवर्शियन सिस्टम के नीचे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है, दोनों में से कंपलसरी एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जूलॉजी के फर्स्ट ईयर में कैसा भी आता बोला था, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आया। 17th वन ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ माउथ पॉट्स ऑफ कॉकरोच। नेक्स्ट 18th वन डिस्क्राइब ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिस्क्राइब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाया था और इसी से रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसा भी पूछ सकता था, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में बोला था, ग्रीन हाउस इफेक्ट आया है 4 मार्क्स में। नेक्स्ट सेक्शन सी में आंसर इन 2 क्वेश्चंस करना था, ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स, टोटल 16 मार्क्स आपको मिलते थे, डायग्राम्स ड्रॉ करना बहुत जरूरी था। 19th क्वेश्चन देख लेंगे, 3 क्वेश्चंस आए थे, 3 में से आपको 2 लिखना था LAQ में। 19th वन डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन दैट एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम, मैं आप लोगों को बोला था कि फूड चेन के बारे में जरूर लर्न कर लीजिए, फूड चेन जरूर पूछेगा क्योंकि जो है इकोसिस्टम में से कैसा भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा और फूड चेन काफी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन है क्योंकि फूड चेन में हम जो है सीक्वेंस वाइज लिखते प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है पूरा डिटेल लिखते तो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद 20 वाला डिस्क्राइब द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पेरिप्लैनेटा कॉकरोच इन डिटेल एंड ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ इट। 21st वन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका विद द हेल्प ऑफ ए नीट लेवल डायग्राम, आप लोगों को मैं जो है स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ एस्करिस लुम्ब्रिकोसाइट्स और एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका दो जरूर पढ़ाया था, दोनों में से कैसा भी आता बोल के बोला था मैं आप लोगों को, प्लास्मोडियम विवेक्स मत पढ़ो बोला था, प्लास्मोडियम के 2 क्वेश्चंस थे LAQ के, प्लास्मोडियम विवेक्स ऑफ मॉस्किटो एक था फिर लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्मोडियम अलग था, दोनों भी मत पढ़ो बोला था मैं मॉस्किटो का क्योंकि मेरे को मालूम था कि जो है प्लास्मोडियम का नहीं पूछता है, एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका या एस्करिस लुम्ब्रिकोसाइट्स का काफी लॉन्ग आंसर है, इंपॉर्टेंट है दोनों में से, आपको लर्न करो बोला था, 2 के 2 लर्न कराया था, 1 क्वेश्चन वहां पे आ गया और इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन कैसा भी आया वो भी आप लोगों को पढ़ा दिया था, पढ़ लो भी बोला था, ठीक है। तो ये जूलॉजी का जो है फर्स्ट ईयर का पेपर था। उसके बाद जूलॉजी सेकेंड ईयर का सेक्शन ए में भी सेम 20 मार्क्स आपको मिलते थे। फर्स्ट क्वेश्चन गिव द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन बींग्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको, इंपॉर्टेंट मैं दिया था और आप लोगों को कैसा भी फर्स्ट वन वही आया है। डिफाइन ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन सेकंड वन, थर्ड वन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, आपको 2 मार्क्स में भी पढ़ाया था एक्टिन एंड मायोसिन, आप लोग जरूर लर्न करे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था आया है। नेम द की स्टोन बोन ऑफ क्रेनियम वेयर इट इज लोकेटेड, फोर्थ क्वेश्चन 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लर्न कराया था। फिफ्थ वन व्हाट राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 मोनो न्यूक्लियर फैगोसाइट्स,
Next, fifth one, write the names of any what is erythropoietin, what is function. Seventh one, define genesis and spermiation. Eighth one, what is amniocentesis? Name any two disorders that can be detected by amniocentesis. Ninth one, what is apiculture? Rearing of silkworm. Bahut important tha, learn karaya tha, wo bhi aaya hai. Tenth one, what does ADA stand for? Deficiency of ADA cause which disease? अब सेक्शन बी में आ जाते हैं. 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना था 4 मार्क्स में. व्हाट आर 11th वन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिवर? लिवर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको लर्न कराया था, वही इंपॉर्टेंट है, आया है. 12th वन, हाउ इज रेस्पिरेटरी मूवमेंट रेगुलेटेड इन मैन? 13th वन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ मैन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ मैन का भी आपको डायग्राम प्रैक्टिस कराया था. सिनोवियल जॉइंट का भी इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस कराया था, कैसा भी इंपॉर्टेंट है बोला था. किडनी का भी डायग्राम का प्रैक्टिस कराया था. तीनों में से एक जो है डायग्राम जरूर आया है स्पाइनल कॉर्ड का बोर्ड एग्जाम में. 14th वन जरूर लर्न कराया था. राइट ए नोट ऑन एडिसन डिजीज एंड कशिंग सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट बोला था, ये भी आया है. नेक्स्ट 15th वन, डिस्क्राइब एराइथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोला था, जरूर लर्न करो बोला था, आप लोग लर्न कर लिए थे, वो भी आया है. 16th वन, व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट? एक्सप्लेन जेनेटिक ड्रिफ्ट, एग्जांपल ऑफ फॉन्डर इफेक्ट. 17th वन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन थ्योरी ऑफ म्यूटेशंस. उसके बाद 18th वन, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट एवियन फ्लू. 6 क्वेश्चंस लिखना था और मेरे क्वेश्चंस जो है यहां पे 4